रीवैल्यूएशन है बंद। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बना लिया। अब ये बात आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि हम ये देख सके, ये जान सके कि जो भी मेरी असेट हैं, लायबिलिटीज हैं, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। उनकी वैल्यू चेंज होने से क्या होता है कि हमें या तो फिर दो बात होंगी, तो फायदा हुआ या फिर लॉस हुआ। तो उसी चीज को जानने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो क्या क्या आता है, डेबिट साइड क्या है, देखो रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो डेबिट साइड कब आएगी चीजें, जब आपको नुकसान होगा। नुकसान कब होता है आपको, या तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ कम हो जाए, या आपके एसेट की वैल्यू कम होगी आपको लॉस, या फिर आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाए तो भी आपको लॉस है, ठीक है। नहीं, फायदा कब होगा, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और लायबिलिटीज कम हो जाए, ये चीज है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ क्या आएगा, टू डिक्रीज इन एसेट, जब एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो यहाँ आएगा, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहाँ आएगा। कोई ऐसी लायबिलिटी मिली जिसके बारे में रिकॉर्ड नहीं करा हमने, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। राइट साइड का लिखेंगे, जब मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय इंक्रीज इन एसेट्स, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। या फिर कोई एसेट मिलेगी जिसको रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वो भी बेनिफिट, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, उस प्रॉफिट को बोलेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पे बढ़ जाए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको बांट दें। यहां तक बात क्लियर है? इनकेस अगर मान लो हमारी डेबिट साइड ज्यादा आती है, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है, तो लॉस हो जाएगा मेरे, क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस के केस में क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन लॉस, बाय रीवैल्यूएशन लॉस। और ये भी किससे बटेगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, या तो ये हो या ये हो। इसको नोट कर लो फॉर्मेट को, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया, ये नोट कर लिया। सर होने वाले
हो गया भैया ये सर हो गया राधा न्यूज योर माइक अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे टीएस ग्रेवाल का। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 20 पीडीएफ सबके पास है उसमें से देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को पहले पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है आशीष आकाश अमित, आशीष आकाश अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स रिजर्व दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दिए हैं, फिर अपने असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड, मशीन, बिल्डिंग और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ। और हमें ये दिया है कि द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे आल्सो डिसाइडेड दैट वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी 1,25,000 और बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई है 1,40,000। तो 15,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया हमें। तो 15,000 रुपए का लॉस आ गया तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 15,000 कितने से लिखेंगे 15,000। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि भाई वैल्यू मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीन की वैल्यू को 10% क्या करना है, कम करना है। अब मशीन जो हमारी बैलेंस शीट में दी हुई है वो दे रखी 2,50,000 रुपए की। 2,50,000 की मशीन है, उसे 10% उसकी वैल्यू को कम करना है। 2,50,000 का 10% कितना होता है 25,000। कितना होता है 25,000 रुपए। समझे बात को। इसके बाद दिया है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000 रुपीज। एप्रिशिएट का मतलब इनकी वैल्यू बढ़ानी है, तो 62,000 रुपीज वैल्यू बढ़ानी है। तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात है। क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। और फिर इसके बाद हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना 5%। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर मेरे 80,000 रुपीज के हैं, इसका 5% मेरे को प्रोविजन बनाना है, डेट मीन्स 4,000 रुपीज बनाना। और साथ के साथ एक लाइन और दी गई है कि आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरे जो काम देख रहा है आकाश देख रहा है, उस बात का फर्म उसे 10,000 रुपए देगी। कितने रुपए देगी फर्म उसे, आकाश को 10,000 रुपए ये काम करने के बदले। आकाश को देगी तो क्या लिख देंगे, टू आकाश कैपिटल। क्या लिख देंगे, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन रेमुनरेशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का रेमुनरेशन उसे दिया गया 10,000 रुपए।
अब हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारी क्रेडिट साइड है वो 62,000 रुपीज है और डेबिट साइड जो थोड़ी सी कम है। अब थोड़ी सी कम कितनी है, 54,000 है, ये 62,000 है, तो 62 में से 50 अपना 4 माइनस कर देंगे तो 8,000 रुपीज यहाँ पर बचेगा। अभी 8,000 क्या है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये जो तीन पार्टनर थे तीनों में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। और तीन पार्टनर कौन कौन से थे इसमें, आशीष, आकाश और अमित। आशीष, आकाश और अमित, और किस में बटेगा भाई, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है इक्वल, तो इक्वल का मतलब हो गया तीन लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। 8,000 डिवाइड बाई 3, 3 2 6, 2 0 3 6 18, 2 0 3 6 18, 2 0.0, इन सोन ऑफ में चलता रहेगा तो ये 666 आता रहेगा, ये हो जाएगा 2667, 2667 और 2666। क्लियर ही बात, ये हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया, ये तो हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। यस सर, आगे इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप बना लो फटाफट से, पेपर में इसकी जनरल एंट्री भी पूछ लेता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी जनरल एंट्री पूछेगी, जब जनरल एंट्री पास करो तो इसकी जनरल एंट्री भी पास करेंगे हम अभी, बट इससे पहले तुम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट को बना लो कॉपी पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आप बना लीजिए अपनी कॉपी पर। हो गया सर, हो गया भैया। अब इसकी जनरल एंट्री करने के लिए बोला क्वेश्चन में, तो जनरल एंट्री कैसे होगी जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में डेबिट क्या क्या हो रहा है, तो पहले जो जो आइटम डेबिट हो रहे हैं उनको डालेंगे। ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है सारा। तो पहली एंट्री हो जाएगी इसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, सर ये तो डेबिट हो रहे हैं। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। अगर ये डेबिट होता है इसका मतलब ये जो नीचे अकाउंट दिए ये सब क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे एंट्री में लिख रहे हैं। इधर इतनी बातें,
पहले एंट्री होगी हमारी, ठीक है। अब दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री क्या होगी, क्रेडिट वाली, ये वाली एंट्री होगी। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ रही है। एंट्री देगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हुआ इतना? देखिए समझिए बात ध्यान से। अगर पेपर में कहते हैं कि भाई इसकी सिर्फ क्या करें, जनरल एंट्री पास करें, तो जनरल एंट्री तो हमें पास करनी है, बट जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको आसानी रहेगी, साइड में अकाउंट बना देना इसका वर्किंग नोट में, ठीक है, समझे बात। खाली डायरेक्ट जनरल एंट्री करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका जनरल एंट्री पास करने का है कि वर्किंग नोट में अकाउंट बना दो, उसकी हेल्प से जनरल एंट्री पास कर दो। क्योंकि जब अकाउंट बना लोगे तो हमें पता होगा कि डेबिट में क्या आना है, क्रेडिट में क्या आना है, ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। अभी मैंने फटाफट से एंट्री पास कर दी है, तो ऐसी तुम्हें भी करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी बोला गया है जनरल एंट्री बनाओ, तो जनरल एंट्री पास करने से पहले हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे। क्योंकि आने वाले जो चैप्टर आगे 4-5 जो चैप्टर आएंगे हमारे, 6 आएगी, वो सब में अकाउंट बनाना हमें, ठीक है ना। तो हमें अकाउंट जरूर बनाना है, क्लियर। अब इसकी जो देखो एंट्री समझो ध्यान से, यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन है डेबिट हो रहा है 54,000 से, बढ़िया, रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 62,000 से। तो सीधी सी बात है, क्रेडिट ज्यादा डेबिट क्या है, कम है। तो जब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो उसका मतलब प्रॉफिट वाली बात है, ऐसे भी हमने देख लिया। और क्रेडिट साइड कितनी ज्यादा है, 8,000 रुपये ज्यादा है, और यही बात हमें अकाउंट से ही पता चली, अकाउंट में भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा था 8,000 रुपये, है कि नहीं। तो उसकी अब प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमित कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट बांट देंगे 2667, 2667, 2666। क्लियर हुई एंट्री तीनों? यस सर, हो। तो बहुत ही इजी एंट्री है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, अब 16 करेंगे।
हो गया भैया। यस सर, हो गया। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि अमर और अकबर, अमर अकबर, अमर और अकबर दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो जो है 2:1 है। और 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोज जनरल रिजर्व, इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है इनकी बैलेंस शीट में, जो कि है 60,000 रुपए का। कितने रुपए का है? 60,000 रुपए का। इट वाज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। और ये कह रहे कि फ्यूचर में अपना लॉसेस कैसे बांटेंगे 3:2 में, यानी ओल्ड रेशियो तो हो गया 2:1 और न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2। ठीक है, अब क्या करें हम इसका? कह रहा है पांच जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो केस वन बोलता है, केस वन कह रहा है कि व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, नई बैलेंस शीट में, अगर नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट। तो केस वन का आंसर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, कि अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना तो क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो अमर कैपिटल अकाउंट, टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट और अकबर्स कैपिटल अकाउंट। 3:2 में नहीं बांटेंगे, ओल्ड रेशियो बांटेंगे, जो कि क्या है हमारा 2:1। तो 60,000 अकाउंट 2:1 में बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा 40,000 और 20,000। क्लियर है इतनी बात? केस टू में उसने हमसे बोला कि भाई वो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को दिखाना चाहते हैं, दे वांट टू शो द जनरल रिजर्व इन न्यू बैलेंस शीट। अगर दिखाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कोई भी ऐसा आइटम है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल है, बट वो उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करके न्यू बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, तो उस केस में उस अमाउंट को एडजस्ट करा जाएगा। तो एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है वो मैंने आपको सिखा रखी है, बट फिर भी मैं एक बार करा देता हूं। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे। तो अमर और अकबर का निकाल देंगे, तो अमर का ओल्ड रेशियो 2:3, इसका 1:3, माइनस न्यू रेशियो 3:5, 2:5, 15, तो ये हो गया हमारा 1:15, ये आ गया -1/15। इट मींस व्हाट, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है।
क्लियर है ना इतनी बात? तो गेन कर रहा है यस सर। अब हमें क्या करना होगा? तो पहला वाला तो मैं मिटा रहा हूं, अब हमें निकालना होगा अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड। क्या निकालेंगे? अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड, अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड। भाई जनरल रिजर्व कितने का था? 60,000 रुपए का। 60,000 का 1/15 4,000, तो 4,000 को एडजस्ट कर देंगे। क्या एंट्री होगी इसकी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, और गेन कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगी अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट, टू अमर कैपिटल अकाउंट 4,000। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग अमाउंट of general reserve adjusted, ठीक है। तो केस टू की हमने एंट्री कर दी, और ये केस वन की एंट्री है, और उसमें लिख देंगे being general reserve, being general reserve distributed in old ratio। आया समझ? सर वो सेकंड वाले में तो बैलेंस शीट में दिखाना था, जैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिखाना था। नहीं, सेकंड वाले में बैलेंस शीट में दिखाना था, इसलिए हमने क्या करा, उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। मतलब जो भी लॉस और प्रॉफिट होता है रेशियो चेंज होने से, वो हमने कर लिया। 4,000 रुपए का लॉस प्रॉफिट होता तो वो हमने बांट लिया भी, जिससे कि भाई अपना जनरल रिजर्व एज इट इज बना रहे। इसको नोट कर लो। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 17 करना है अभी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है जरा देखिए। इसमें लिखा है भाई मीता गोपाल और फरहान, मीता गोपाल और फरहान ये पार्टनर्स, इनका रेशियो 3:2:1 है। इन्होंने डिसाइड करा कि अब इनका रेशियो 5:3:2 हो जाएगा, और जिस दिन डिसाइड करा उस दिन बैलेंस शीट में कुछ अमाउंट दिए हुए हैं। पहला अमाउंट है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30,000 रुपये, दूसरा अमाउंट है कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 रुपये, और उस दिन गुडविल के फॉर्म किए 4,80,000। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं MGF। क्वेश्चन नंबर 17, M यानी कि नीता, G से गोपाल, F से फरहान, ये तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 3:2:1। इन्होंने डिसाइड करा कि इनका रेशियो हो जाएगा 5:3:2। जिस दिन इन्होंने डिसाइड करा उस दिन इनकी बैलेंस शीट में एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ₹30,000, एक कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, कंटीजेंसी रिजर्व 9,000, और गुडविल दे रहे फर्म
गुडविल ऑफ द फर्म, ये देखिए 4,80,000। और क्वेश्चन ने बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो जरा मेरे को ध्यान से बताओ कि जो सबसे ऊपर दे देखा है डेफर्ड रेवेन्यू या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, यानी उनके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे या नहीं करेंगे, डेबिट करेंगे ना सर। और जो रिजर्व दिया उसको क्रेडिट कर देंगे और गुडविल को एडजस्ट कर देंगे, इतना सही तो काम करना है, कर देते फटाफट से इसको। तो इसमें अकाउंट बनाना है, जनरल एंट्री बात करनी है, तो सबसे पहले करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, 30,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में, हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000, किधर इतनी बात। सेकेंड एंट्री कंटीजेंसी रिजर्व की, तो क्या एंट्री होगी, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू जीस कैपिटल अकाउंट, टू एफ कैपिटल अकाउंट, 9,000 को बांट देंगे 3:1 में, कितना आएगा 4,500, 3,000 और 1,500, याद है, क्लियर है। यस सर क्लियर है, राधा क्लियर है, हाँ सर। इसके बाद इसे नोट कर लेना, कर लो इसे नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं, कर दो रफ, ये नोट कर रहे हो, हो गया भैया, अब बची गुडविल, तो गुडविल को एडजस्ट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्या बताया था फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एम जी एफ, ओल्ड रेशियो क्या है इनका 3/6, 2/6, 1/6, न्यू रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बताइए, 30, तो 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में, तो 5 3 15, 3 बार में आता है तो 5 3 15, 6 5 30 होता है, तो 5 बार में आया 5 2 10, 3 3 9, 5 6, ये ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे वाला हो गया 1/30, और इसके सबसे लास्ट वाला ना -1/30, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है कि नहीं, ये गेन कर रहा है। अब सेकंड क्या निकालेंगे, अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड, अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड, तो गुडविल कितनी है 4,80,000, और एडजस्ट कितना करना है 1/30, तो काट देंगे 1/30 को, कितने रुपए आ गए 16,000 रुपए, तो 16,000 को एडजस्ट कर देंगे, एडजस्ट करने की एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका मेन थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, एफ
तो एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइस दी, सैक्री है जी, तो जी इज कैपिटल अकाउंट। तो जो एडजस्ट अमाउंट निकाला 16,000 रुपए, 16,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी, 16,000 16,000, क्लियर है। नरेशन में लिख देंगे बी अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड, बी अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। समझ में आया? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 21, 22, 23, ये सब होमवर्क है। भैया जो क्वेश्चन करवाए ना आपने वो मुझे एक बार भेज देना, क्योंकि मेरे में एक भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है? नहीं, मैंने पीडीएफ भेजी उसमें से देख ले, मैं पीडीएफ से कॉपी करा रहा हूं। ठीक है सर, 22 तक करने क्वेश्चन, 23 तक। ये लेटेस्ट बुक के एक सीरियल नंबर है क्वेश्चंस के, जो इस साल की है 2021 की, उसकी बुक्स के अकॉर्डिंग है। यस, सर हो गया नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। नया टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट भी बनानी है हमें साथ के साथ, तो बैलेंस शीट बनाएंगे, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बैलेंस शीट। जब भी बैलेंस शीट बनाते तो उससे पहले हमें कैपिटल अकाउंट भी इसका बनाना पड़ता है। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो टॉपिक डालिए प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 24। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 24। तो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये दिख रहा है, लाइट आ रही है कैमरे पे? चलिए, यहां लिखा हुआ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में दिए ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1, इनकी बैलेंस शीट दे रही है हमें। तो बैलेंस शीट में बहुत कुछ दिया है, हम अपने सीधे काम पर आते हैं। सबसे पहले चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। देखिए, वर्किंग नोट हम इस साइड बनाते जाएंगे, जो भी अकाउंट है इस साइड करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन सर, ये वर्किंग नोट है, ये इधर वाला वर्किंग नोट है, इधर वाला सॉल्यूशन है पूरा। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसमें दिया है सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट दे रखा है गुडविल का, दे रखा है उन्होंने फर्म की गुडविल 1.5 लाख है। फर्म को यहाँ लिख देते हैं गुडविल, फर्म की गुडविल है 1,50,000, इसको भी लेटर ऑन एडजस्ट करेंगे।
पहले हम अपना पहला काम कर लेते हैं जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको बना के फिनिश करते हैं, देन अपना अगला का काम करेंगे। तो पहला काम हमें देखा लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000, लैंड की कीमत कितनी होगी 80,000 रुपए हो गए। तो अब ये चेक करेंगे बैलेंस शीट पे कि लैंड थी कितने की, ठीक है ना। तो लैंड जो थी वो है 50,000 की और 80,000 की हो गई। इट मींस व्हाट, इट मींस हमें फायदा हो गया, 30,000 रुपए हमारी जमीन की कीमत बढ़ गई भाई, है कि नहीं। तो 30,000 रुपए हम क्या करेंगे, लैंड की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे। यहां लिखेंगे बाय लैंड, बाय लैंड 30,000। इसके बाद हमें देखा है बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग की वैल्यू 6% डाउन करनी है। अब बिल्डिंग की वैल्यू अगर 6% डाउन करनी है तो क्या करेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। yes. बिल्डिंग है कितने 50,000 की, 50,000 का 6% कितना होता है 3,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज डेबिट साइड लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, तो बिल्डिंग 3,000। फिर इसके बाद देखा क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ। कितनी अच्छी बात, इससे अच्छी बात बिजनेस के लिए नहीं हो सकती कि जब उसके क्रेडिटर्स उससे बोले कि अब हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हमने आपको पैसे माफ कर दिए, तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है कि क्रेडिटर्स हमारे पैसे माफ कर दे। नो सर, नहीं हो। तो माइंड में फायदा है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं, फायदा है तो बाई क्रेडिटर्स। यस सर, बाई क्रेडिटर्स हमने लिख दिया भाई, बाई क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया था यार, क्रेडिट साइड 36,000 है और डेबिट साइड कितना है सिर्फ 3,000। इट मींस 33,000 को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और यहाँ लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और तीनों पार्टनर से बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ए बी और सी में 3:2:1 में बांटेंगे, तो आएगा ये 16,500, 11,000 और 5,500। इतनी बात क्लियर है। इसके yes, बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें गुडविल को भी एडजस्ट करना होगा साथ के साथ, और उससे पहले फॉर्मेलिटी अपनी जो है वो बी और सी। सर क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए वाला, यस बोला हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिए हुए हैं वो लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस दिया वो दिया 1,00,000 रुपीज ए का, बी का दिया हुआ है 50,000 रुपये और सी का दिया 25,000। आप देखिए सबसे पहले क्या हो, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा होगा स्क्रीन पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसको बांट देंगे या लिखेंगे भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, भाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,500, 11,000, 5,500। ठीक है, काम खत्म हो गया इसका। अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 30,000 रुपए का, उसको भी बांट देंगे ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व, 30,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:1 में, तो आएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, अब क्या रह गया गुडविल, तो
गुडविल का काम कर लेते हैं। गुडविल के लिए हमें न्यू रेशियो देखना पड़ेगा। न्यू रेशियो इक्वल दिया हुआ है, क्या दे रखा है? इक्वल। तो इक्वल न्यू रेशियो हमारा, ठीक है। देखो न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। अब क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी और सी, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 1/3, 1/3, 1/3, एलसीएम 6 आएगा दोनों का, 6 आएगा। तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा हमारा 3 - 2, 1/6, 1 - 2, -1/6। तो ये क्या कर गया? गेन कर गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे? अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड, अमाउंट इज टू बी एडजस्टेड। गुडविल कितनी है? 1,50,000। गुडविल कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 का 1/6 कितना होता है? 1/6 25,000 रुपए, है कि नहीं? क्लियर है इतना या नहीं? यस सर। हाँ जी, 1,50,000 का 1/6 कितना होता है? 25,000। और एंट्री क्या बताइए आपको? गेमिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेम कौन कर रहा है यहाँ पर? सी कर रहा है। सी। तो क्या इसकी जनरल होगी? जनरल एंट्री सी। सी सी अकाउंट डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट 25,000। अब इसकी पोस्टिंग समझो, सी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। सी डेबिट हो रहा है 25,000 से, तो यहाँ लिखेंगे 2A कैपिटल अकाउंट, लिखेंगे 2A कैपिटल, और सी में डेबिट साइड लिख देंगे 25,000। अब A क्या हो रहा है? अजय बात क्लियर हुई? सी में क्या लिख दिया हमने भाई? 25,000 रुपए लिख दिया डेबिट, लिख रहा होगा। अब A हो रहा है बाई सी कैपिटल अकाउंट, बाई सी कैपिटल अकाउंट 25,000। इसे हमने क्या करा? गुडविल की पोस्टिंग कर दी। इसको हमने क्या कर दी? गुडविल की पोस्टिंग। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए, अब हमें नई बैलेंस शीट बनानी है, तो नई बैलेंस शीट में नई कैपिटल आएगी, तो इनका बैलेंस लिखा देंगे सबसे पहले। तो पहले टोटल कर लेते हैं यहाँ पर। सर ऊपर वाली बैलेंस शीट कौन सी थी? वो ये प्री बैलेंस अकाउंट बनाया था, ये पार्टनर्स कैपिटल है, अब बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, ओके सर। 1,56,500, 71,500, 35,500, इधर भी 1,56,500, 71,000, 35,500। अब बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब जरा बताओ मेरे को, ये 156,500 है, यहाँ तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए। चलो वही है, नहीं आ जाएगा, यहाँ भी उतना ही आ जाएगा 71,000। इधर हम 25,000 रुपए माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस करेंगे तो 500। क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर। हाँ भैया, क्लियर। अब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, उसको करते हैं। देखिए बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फॉर्मेट आप बना लेना, मैं बस नॉर्मल समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स किस किस के? ए के, बी के और सी के। तो ए का है 156,500, बी का 71,000 और सी का 10,500। टोटल करके बाहर लिख देंगे, ठीक है ना? टोटल करके बाहर लिख देंगे,
तो ये हो गया 2,38,000। इसके बाद जो हमें दिया हुआ है दो अमाउंट और देखे लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने घट गए थे, 6,000 रुपए कम हो गए थे। अगर क्रेडिटर 6,000 कम हो गए तो कितने रह गए, पहले थे 50,000 के, 6,000 कम करके कितने रह गए, 44,000। दूसरा अमाउंट दिया बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल में कोई बदलाव नहीं हुआ तो एज इट इज आ जाएंगे 20,000। इसके बाद देखा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं ऑलरेडी। अब आता थी असेट साइड, तो असेट में सबसे पहले लैंड देखा है, तो लैंड में क्रेडिटर्स 54,000 है ना, 44 लिखा है। लैंड अब कितनी होगी, 80,000 की। फिर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम करनी थी, 6% यानी 3,000 रुपए। बिल्डिंग थी 50,000 की, 50 में से 3,000 माइनस कर दो कितना बचेगा, 47,000 रुपीज। सर जनरल रिजर्व का माइनस करो। हाँ वो बांट दिया ना, मैं जनरल रिजर्व यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में बांट दिया था, तो अब नहीं आएगा ये बांट दिया 15, 10, 5 जो चीज बट गई उसको उधर, अब उसको नहीं लिखेंगे, नहीं उसको नहीं लिखेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी खत्म, जो है बस उसको लिखेंगे। अब प्लांट बचा हुआ है, प्लांट में कोई चेंज नहीं हुआ, प्लांट ऐसे ही आ जाएगा 1,00,000 रुपए का। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक भी एज इट इज लिख देंगे 40,000। इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स भी ऐसी हो जाएगा 30,000। बैंक है, तो बैंक 5,000। आप टोटल कर देंगे दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। बैलेंस शीट क्लियर हुई, जो चीज में चेंज आया नई वैल्यू लिख दी, yes, sir. जो चीज बाढ़ दी उसको लिखा नहीं, और जिसमें कोई चेंज नहीं आया उसे ऐसे ही लिख दिया, जितने पहले थी उतना ही अब लिख दिया। तो उसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3,02,000। 3,02,000, 3,02,000 इधर का भी टोटल है। समझ में आया, तो एक बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन था ये, अगर एग्जाम में आएगा तो पूरे 6 मार्क्स का आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट नोट कर लिया था, तो बाकी का जो बचा है नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 तक होमवर्क है, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको, एक टॉपिक और बचा है इसमें एडजस्टमेंट का, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। Yes. इसकी फोटो भेज देता हूँ और इसके ना क्लास को मैं एंड करता हूँ, ठीक है? यस सर, ठीक ठीक है।